आइए आज हम देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये पूरा एक चार्ट है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, इसका स्नैपशॉट ले लें आप, और इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि प्लांट टिश्यूज को किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, कितने टाइप के टिश्यूज़ हैं। आइए हम समझ लेते हैं, प्लांट टिश्यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे उसमें आया था, जो कि डिवीज़न करता है, और एक परमानेंट टिश्यू है, ये डिवीज़न नहीं करता है। आइए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि इसका कोई ऐसा वर्क असाइन नहीं है कि नहीं ये यही काम करेगा, लेकिन एक वर्क इसका असाइन है कि ये सेल डिवीज़न करता रहेगा। तो सेल डिवीज़न करता रहेगा, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये बेस है, तो ये टिश्यू को हम कहते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होता है ये, जो क्योंकि ये सिर्फ एक ही काम करता रहता है, क्या, डिवीज़न डिवीज़न डिवीज़न, डिवाइड 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 करता रहता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न रहती है, इसी से ही हम इसको समझते हैं, और इसी से ही प्लांट की ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में हम देखते हैं ये डिफरेंशिएट टिश्यू है, मतलब ये एक डेफिनेट वर्क करता है, इसको हम कह सकते हैं, और अब आगे आएगा जिससे कि हमें ये समझ में आएगा, लेकिन इसके अंदर जो डिवीज़न की कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है, चली जाती है, ये डिवाइड नहीं होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ को हम देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। हम देखते हैं कि ये प्राइमरी मेरिस्टमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर या मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट, क्या हाइट की ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू जिम्मेदार है। लेकिन अगर थिकनेस बढ़ानी है, मोटा करना है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस के लिए है सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के दो पार्ट हैं, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला जो है वो हाइट को डिफाइन करता है, सेकेंडरी वाला थिकनेस को। अब प्राइमरी मेरिस्टेम को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम, लिटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको भी ये इनके बारे में आगे पढ़ते रहना है, ओके। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में हम बात करें तो इसको वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम तीन पार्ट में है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो पार्ट में है, क्या, वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। ये कैम्बियम का है, यहाँ तक हमारा जो है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू खत्म हो गया, मेरिस्टमेटिक टिश्यू हमारा यहाँ तक ही था। परमानेंट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू हमने कहा था कि ये डिफरेंशिएटेड होता है और कैपेबिलिटी खो देता है डिवीजन की। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या करता है, या ये एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ये टिश्यू ग्रुप ऑफ अ सिंगल सेल्स, यानी एक ही तरीके की सेल्स का बना हुआ होता है ये जो सिंपल टिश्यू होता है, और ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट का काम करता है। प्लांट को जो प्रोटेक्शन देना है, प्लांट को जो सपोर्ट करना है, उसका ये काम करता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि एक ही तरह की सेल का बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, एक से ज़्यादा प्रकार की सेल इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और ये कंडक्टिविटी मतलब वहन, चालन, इधर से उधर किसी चीज़ को ले जाना लाना, इन तरीके का काम करता है, ठीक है। सिंपल टिश्यू को हम देखें तो सिंपल टिश्यू को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि पैरेन्काइमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जबकि कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो हैं वो अपने आप में सिंगल है। अच्छा, इसके अलावा जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो कौन सा है, एक तो है जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के अंदर फोर पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। आप ध्यान रखिएगा, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये फोर पार्ट्स जाइलम के अंदर हैं। फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स होती हैं, कंपेनिंग सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है
और फ्लोएम फाइबर होता है। तो आप ये समझ सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा सेम है, जाइलम और फ्लोएम फाइबर यहाँ तक तो सेम है। आपको ट्रैकेट्स और वेसल्स जाइलम में लेके आने हैं और सीव और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो फ्लोएम में लेके आने हैं। जाइलम जल ये वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, मूवमेंट करता है, कंडक्टिविटी करता है, ठीक है। जबकि फ्लोएम जो होता है फ से फूड और फ से फ्लोएम, तो फूड जो है फूड का जो कंडक्टिविटी है उसका काम फ्लोएम का रहता है। यहाँ तक हमने मोटे मोटे तौर पर समझ लिया है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, बेसिकली वो क्या क्या काम करते हैं और उन्हें किस तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।